सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा अंडरस्टैंड करना। वी ये होता है वर्क डन पर यूनिट मास, होता है पर यूनिट मास हो गया ना। वर्क किसके फॉर्म में होता है पोटेंशियल एनर्जी, पर यूनिट मास का जो क्या मिला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब वो क्या बता रहे ये पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट है सो एंड सो ऑब्जेक्ट वो इतना पोटेंशियल एनर्जी रखने का एबिलिटी रखता है ना, और जब उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा वर्क डन ना, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास विल गिव यू व्हाट वर्क डन, बट दिस वर्क डन इटसेल्फ इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है सुबह को क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बैठ के सब देख रहे हो। वी इज वर्क डन अपॉन मास, इसका यूनिट क्या होगा बोलो, जूल वर्क डन का अपॉन क्या यार, yes or no? Yes. Are you able to understand this? Okay, नहीं? Fine ना? देखो भी यहाँ पे ऐसा, अगर ये अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सही है? तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल है 5 जूल पर केजी, यहाँ का पोटेंशियल है 10 जूल पर केजी, यहाँ का पोटेंशियल है 20 जूल पर केजी। मतलब मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रखने का एबिलिटी रखता है वो, और पर केजी यहाँ पे जितना एबिलिटी है 5 10 20। आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को लेके गए, इसका मास 100 केजी है, तो अगर ये पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो बोले फिर से मल्टीप्लाई करोगे, मुंह से बोल के बोले यार क्या होगा, बोलो वैल्यू कितना आएगा, वो भी 50 बोल रहे हैं क्या यार, 100 × 5 ना। आगे बोले इधर क्या होगा, इधर 200 किलो का लेके गया, क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी ना, कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा 200 किलो, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आउटसाइड द फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल भी कितना होता है, समझा, इज इट फाइन, कैन आई, यस हाउ, सब पे भेजने में जा रहा है बात, सही है। तो अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट रीच करना है तो क्या निकाला है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल, अभी कितना है, इधर कितना चाहिए, कितना वर्क करना पड़ेगा, 1000 अभी देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनो राइट नाउ आई एम लेटिंग यू नो द फॉर्मूला, आफ्टर we complete the energy of a satellite I will come back to this topic again and I will derive the things here. So right now हमारा main focus अभी energy पे है, उसको ज़्यादा समझ रहे हैं। तो gravitational potential का formula क्या होता है? On the surface of Earth, ये हो जाएगा minus gm by minus minus qi, आया सब बताऊँगा later time का। देखो मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मास ऑफ द प्लैनेट है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट जी है ना, और अब ये जनरलाइज हो गया ना, अभी ये पॉइंट है इतना तो पोटेंशियल रहेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसके मास के हिसाब से पोटेंशियल डिफर करते जाएगा, हाँ ना। तो ये होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो आप भी बता दो अभी, एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, स्मॉल आर क्या होगा, आर प्लस एच ना, तो बोलो फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सही है, ये क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
एट हाइट h. समझा सबको? हेलो. नेक्स्ट इज आई वांट टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो वर्क डन किसके फॉर्म में शो होता है? पोटेंशियल एनर्जी ना. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू एम. बोलो एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यू क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नो, व्हाट डू वी कंसीडर यहां पे? ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. बोले यू क्या होगा? है ना? सभी तक तो हम सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले देते हैं, है ना, एमजीएच से. बट एक्चुअल में सरफेस पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ स्टडी करते हो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर अगर यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑब्जेक्ट उठा के रखा है ना हाई डैश पे. तो अगर उसको हाई डैश पे रखा जा रहा है तो सीरियस पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए. तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ना यहां पर और ऊपर उठाऊंगा तो और ज्यादा. यस और नो? यस. तो बोलो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एन एम बाय आर. रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? ये सेंटर है, उसके अंदर सरफेस इधर रखा हुआ है ना, तो सरफेस के ये सेंटर के हिसाब से इधर रखा हुआ है आर पे. तो बोलो पोजिशन है ना उसका विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. पोजीशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना, और ये होगा उसका पोटेंशियल. यस और नो? यस. ये सरफेस पे पोटेंशियल है तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, माइनस जी एम बाय आर. नेक्स्ट इज आगे एट हाइट एच. क्या होगा? स्मॉल आर क्या होगा? तो बोलो यू क्या होगा? सही है. फाइन ना, समझ गया आपको ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल लेता हूँ. ये सरफेस है, ये सेंटर, अभी ये इनिशियल पोजीशन पे है, फाइनल पोजीशन, ये हाइट एच. यहां से यहां जाना है, क्या करना पड़ेगा? क्या करूंगा उसके लिए? वर्क के लिए. बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा यार? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. क्या करूंगा? इधर का पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, इधर का निकालूंगा यू वन यू टू इनिशियल यू फाइनल. इधर का डिफरेंस होगा ना, जितना भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? वर्क ना, उतना वर्क करना पड़ेगा टू रीच फ्रॉम दैट पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट. है ना? बोलो. देख लो यहाँ से, देखो क्या लेता होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा? हाई डैश ना, कितना है ये? माइनस आने से क्या हो जाएगा? प्लस. बोले क्या कॉमन ले लो इसमें से, है ना? अब आया जो ये बोले माइनस है, हम कॉमन आया अंदर क्या बचेगा? वन. सही है. दिखता है ये गया, बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये जी एम को मेरे से कहा जी आर स्क्वायर, दिखा था ना मेरे भी, ये क्या होगा? एम जी आर स्क्वायर एल टू एच अपॉन या बोले ये आर प्लस एच, दिख रहा है आपको?
मान लो जो हाइट पे गया ना, दिस हाइट इज वेरी स्मॉल, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो देयर इज आर प्लस एच कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज आर ना. आई हैव दिस हाइट इज वेरी लेस, इट इज मच लेसर देन आर. आर प्लस एच कैन बी रिटन एज व्हाट? आर. तो वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे क्या लेते हो? जीरो ना. क्या लेते हो? जीरो. क्योंकि वहां पे आप किसके रिस्पेक्ट से बात करते हो? सरफेस. तो एक्चुअल में जो एमजीएच है ना, एमजीएच जो फॉर्मूला है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये चेंज इन पोटेंशियल है. क्या ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1.2? और ये तभी एप्लीकेबल है जब हाइट छोटा है. ज्यादा हाइट होगा तो एप्लीकेबल बट हमेशा असर हम तो ये फॉर्मला यूज करते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होगा, सरफेस पे जीरो होगा, है ना. तो अगर आप सेंटर के बदले सरफेस को रेफरेंस बना दोगे तो सरफेस इज द रेफरेंस, सरफेस इज द ओरिजिन, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो ना. सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो. सो क्या बच जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. तो किसके इक्वल होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, मस्ट आई कुछ नहीं. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये जो पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे है समझाना. एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ एमजीएच क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बट अगर आप इसको सेंटर को रेफरेंस नहीं मानोगे, सरफेस को रेफरेंस मानोगे, तो एच क्या हो जाएगा? जीरो ना. तो सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो. हाइट एच पे कितना होगा? एनर्जी. आर यू एबल टू रिलेट? हेलो, तो ये फॉर्मूला वहां से आता है, समझा क्या? बट यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट सोच रहे हैं? सरफेस से सेंटर. इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करते. वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला सरफेस पे एट हाइट एच. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे आते हैं कि आप जब एक पॉइंट से पॉइंट जाते हो कितना वर्क करता है वो एमजीएच, बट प्रोवाइडेड कि हाइट छोटा है. क्लियर है ये? सबको समझा व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? और ये वर्क डन किसी फॉर्म में शुरू होता है? फिर मैं एनर्जी और सेटर की बात करता हूँ. आगे बात करते हैं अबाउट फाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. अच्छी बात करें अभी. क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? हाउ डज इट वर्क? अंडरस्टैंड करना. कैसे डिफाइन करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी को, कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ? सबका ध्यान बोर्ड को होना चाहिए. स्टॉप राइटिंग. द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट और एनी बॉडी. हम सैटेलाइट का बात कर रहे हैं यहाँ पे. द मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट? Binding energy of a satellite. क्या कहा है इसको? Binding energy of a satellite. Are you able to relate? Are you able to understand? Hello. क्या कर रहा है मुझे? Satellite को लेना है, object को लेना है, और gravitational field के बाहर उसको throw करना है. हाँ ना?
वो थ्रो करने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं बाइंडिंग, क्या कहते हैं? बड़ा देखो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बाइंडिंग एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करने से पहले वी नीड टू नो द रीजन क्या करना क्यों है। हमने जब सैटेलाइट स्टार्ट किया तो आपने बोला कि सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में घुमाना है ना, वी नीड टू रिवॉल्व द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट ना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सैटेलाइट को उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक रहा हूँ, मतलब अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाता है और अर्थ से कॉन्टेक्ट आया ना, अर्थ से उसको कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसा क्यों सैटेलाइट बनाया है अर्थ के लिए तो उसको बाहर क्यों फेंकना है? इसके मल्टीपल रीजन होता है अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला रीजन ये है कि मान लो जो सैटेलाइट में लॉन्च कर रहा हूँ वो सैटेलाइट अर्थ के लिए नहीं है, वो कहीं अलग प्लैनेट के लिए, ऐसे मार्स के लिए ना, मंगल या ऐसा और हो, दैट इज नॉट फॉर द अर्थ, इट इज फॉर द मार्स, ऐसा और हो। तो बोलो मार्स के लिए वो सैटेलाइट उसका मतलब क्या है, तो उसको किसके फील्ड में घूमना चाहिए, अर्थ के या मार्स के? मार्स के। तो बोलो मार्स के फील्ड में अगर उसको भेजना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, उसको किसके फील्ड से निकालना पड़ेगा? अर्थ के फील्ड से निकाल के फिर वो किसके फील्ड में एंटर करेगा? मार्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ना, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ देगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर बाय फॉलोइंग सम अदर स्टेप्स वो किसके फील्ड में एंटर करेगा? मार्स। तो क्लियर है ये? नेक्स्ट इज मान लो ऐसा हुआ कि अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, बट सैटेलाइट भी तो मशीन ही है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब हो जाएगा, उसका लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड होगा ना। जैसे अभी अगर आपको पढ़ा हो कभी न्यूज में तो जो मंगलयान है नॉट इज डन ना, इट इज नो लॉन्गर एक्टिव, 8 साल के बाद उसका जो कम्युनिकेशन था वो खत्म हो चुका है, मतलब उससे अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। अगर वापस मार्स को स्टडी करना तो वी नीड टू लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट, समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक सैटेलाइट का लाइफ स्पैन होगा, मशीन ही है ना यार, जिंदगी वो थोड़ी चलते रहेगा, एक टाइम के बाद खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब मान लो अर्थ के अर्थ में एक सैटेलाइट है वो घूम रहा है, थोड़े सालों तक घूमा, या तो वो खराब हो गया या तो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सैटेलाइट को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, बाई सम अदर सैटेलाइट इन द सेम ऑर्बिट, वही पोजीशन पे एक नया सैटेलाइट लगाना है, तो बोलो पुराना सैटेलाइट निकालना पड़ेगा, और पुराना सैटेलाइट निकाल के फिर से अर्थ को नहीं लाना होगा, जगह किधर है भाई, और लाने के लिए भी लाना ही क्यों है, खराब हो गया ना अभी, तो करूँ क्या लाके, समझ आ रहा है क्या? तो हम क्या करते हैं, हम वो सैटेलाइट को उठा के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर फेंक देते हैं, सच दैट इट इज लॉस्ट इन स्पेस, और इसी को आ जाता है स्पेस ग्रेवियर, क्या कहा जाता है? स्पेस ग्रेवियर। जितनी भी कंट्रीज होती है जिसके सैटेलाइट खराब हो जाते हैं तो वो सैटेलाइट को वहां पे भेज दिया जाता है, तो सबके सैटेलाइट आर लॉस्ट इन स्पेस, इसे कहा जाता है स्पेस ग्रेवियर, समझ आ रहा है? तो बोलो ये सैटेलाइट खराब हो चुका है, मुझे उसको फील्ड के बाहर फेंकना है, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी। जैसे इसको बाइंडिंग एनर्जी का टू थ्रोन ऑफ द फील्ड, इट इज लॉस्ट इन स्पेस। तो ये फ्यू रीजंस है जिसकी वजह से हम क्या प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग एनर्जी, क्या प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग एनर्जी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस हेलो, यस तरीके से बोलो, बोलो यार। सो इसीलिए हमको बाइंडिंग एनर्जी लगता है सैटेलाइट के लिए। अब ये बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करता है ना, ये हमको सीखना है। तो सी देयर विल बी टू केसेस का ध्यान देना अभी। फर्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, इसलिए अर्थ है। रेडियस आ रहा है,
ये अर्थ का फील्ड है ना, और ये सैटेलाइट यहाँ पर मान लो इसको उठा के बाहर देना बता रहा है क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी बट हाउ डू आई कैलकुलेट दिस बाइंडिंग एनर्जी दैट इज द मेन केस। कैसे निकालता देखो, तो सबसे पहले सैटेलाइट के पास कौन सा एनर्जी होगा ये देख लेते हैं। बोलो सैटेलाइट अर्थ सरफेस का मास है, तो ये रेस्ट पे है कि मोशन में? अरे अर्थ तो थोड़ी घूमेगा, इस और नो तो मोशन में कि रेस्ट पे है? तो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बोलो सैटेलाइट सेट रेस्ट, हाँ तो बोलो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। सेकेंड क्या लगता है उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। कितना होगा? माइनस जीरो। बोलो ना यार क्या होगा? माइनस जीरो माइनस जीएम बाय आर सरफेस ऑफ अर्थ। पोटेंशियल एनर्जी एस यू जस्ट माइनस जी एम बाय आया ना, कितना होगा? माइनस समझा रहा है ये, क्योंकि उसका पोजीशन है अर्थ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? और वो अर्थ के फील्ड में एग्जिस्ट करता है ना भाई, नहीं समझा? क्लियर है ये? नेक्स्ट इज तो बोलो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी हियर? काइनेटिक एनर्जी प्लस कितना होगा ये? जीरो। व्हाट विल बी टोटल एनर्जी नाउ? सही है, ये सैटेलाइट का टोटल एनर्जी है। क्या ये क्लियर है? अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी क्या है समझना है। हाउ डू आई नो द बाइंडिंग एनर्जी? बोलो मुझे क्या चाहिए? ये सैटेलाइट सरफेस पे रहे कि ये छूट जाए और चला जाए फील्ड के बाहर? शुड बी फ्री एंड इट शुड गो आउटसाइड द फील्ड ना। सैटेलाइट is on the surface of earth, can I say this satellite when it is on surface of earth it is bounded by the earth na? उसको पकड़ के किसने रखा है? खुद वहां पे है कि अर्थ उसको पकड़ के रखा है? क्या प्रोवाइड करे? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। हमको क्या चाहिए? वो पकड़ा रहे कि वो सरफेस पे रहे कि वो फ्री होकर चले जाए फ्री होगा उसको भी पकड़ा किसने है? We want it to be free, हाँ? तो हमने अर्थ को जाकर बोला तो छोड़ दो भाई सैटेलाइट, लीव द सैटेलाइट, अर्थ बोला नहीं छोड़ो, आई वोंट लीव। क्यों बोला ऐसा? अर्थ अंडरस्टैंड करना, बोलो हर एक ऑब्जेक्ट को हर एक बॉडी को जब अर्थ होल्ड कर रहा है तो उसको होल्ड करने के लिए अर्थ अपना कुछ ना कुछ एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है ना। तो अर्थ के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत सारा एनर्जी, उसमें से वो एनर्जी को यूटिलाइज कर करके सब ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहा है ना। तो ये जो टोटल एनर्जी है ना माइनस जी एम वाया, ये किसका एनर्जी है? सैटेलाइट का ना। बट अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सोचोगे ना तो ये वो एनर्जी है जो अर्थ ने इन्वेस्ट किया है किसपे? सैटेलाइट को होल्ड करने के लिए। समझा क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अर्थ ने अगर इन्वेस्ट किया सैटेलाइट पे होल्ड करने के लिए सैटेलाइट को दिया है तो अर्थ के एनर्जी के अकाउंट में से ये एनर्जी माइनस हो जाएगा ना। अर्थ के लिए क्या है? माइनस ना यार, हेलो क्या है वो माइनस जी एम वाई आर, अर्थ के बैलेंस में से इतना कट हो गया और इतना कट होने के बाद सैटेलाइट इज होल्डेड, यस और नो? नहीं समझा? तो सैटेलाइट को होल्ड करने के लिए अर्थ कितना क्या इन्वेस्ट कर रहा है एनर्जी? कितना ये रहा, जितना सैटेलाइट का टोटल एनर्जी है उतना अर्थ के एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है ना सैटेलाइट को पकड़ के रखने के लिए, हाँ ना? बोलो सही है।
मतलब ये ऐसा ही हिसाब है कि आप में से कोई आया मेरे पास और सर 1,00,000 जरूरत है, 1,00,000 दे मेरे को, मैंने दे दिया निकाल, मेरे अकाउंट में कितना हो गया माइनस वन ना, अरे फ्रॉम माय बैंक बैलेंस। नाउ व्हाट इज द कंडीशन हियर, माइनस वन ना, और वो किसके पास है, आपके पास आया ना, सही है, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं आपको पकड़ के लेके आया, जब तक पैसा नहीं होता जाने दूंगा मैं ये सौ रूम। आपके घर वाले आए बोलने के लिए, छोड़ दो यार साहब क्या नाटक कर रहा है, मतलब मैं क्या नाटक कर रहा हूँ, 1,00,000 लेके गया मेरे से, अब मैं तभी ही छोड़ूंगा जब मुझे मेरा 1,00,000 वापस मिलेगा ना। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मेरा 1,00,000 वापस ले लो और अकाउंट को सेटल कर दो। मेरा अकाउंट में कितना है, माइनस, आप कितना ऐड करो, प्लस, बैलेंस लेके जाओ, ये सब कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, और नहीं छोड़ रहा है ना, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अकाउंट बैलेंस सेटेलाइट से रहेगा क्या छोड़ के, आपको जाना है तो निकल जाओ वेट के, ऐसा हो आई यू गेटिंग माय पॉइंट। हमको कितना बाल्टी का लेना पड़ेगा, प्लस सो दैट जितना इन्वेस्टमेंट लगा है वो बैलेंस हो जाए और वो छूट जाए, है ना। तो व्हाट इज द बाइंडिंग एज रिक्वायर्ड, प्लस और ये कैसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम तो मिनिमम, सोच के बोलो यार, सोचते ही हो तुम, रुपा से कुछ भी फाड़ करके बोल देना है, फिर उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या सोचा, मैक्सिमम बोलने के लिए बताना था, क्यों बोला मैक्सिमम, नहीं बोला क्या बोला, क्यों मिनिमम, इट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी व्हिच आई विल प्रोवाइड प्लस ईएमआई एम आई की मिनिमम, अरे उससे ज्यादा भी अगर दिया तो भी छोड़ेगा ना वो यार आप लोग, अरे आपके घर वाले 1,00,000 के बजे 1.5 लाख रुपया दे रहे तो मैं क्यों छोड़ू, ले लिया मैंने, बोले लेके जाओ ये सब रो, पर 80,000 रुपये नहीं लूंगा ना, 1,00,000 के ऊपर कुछ भी दिया अभी टेक इट ना, पर मिनिमम मुझे कितना चाहिए, 1,00,000, आपने मुझे मेरे से उतना लिया था, है ना, उसके ऊपर आप जो भी दो ले लूंगा, उससे कम वैलिड नहीं है ना, तो प्लस जीएमआर इज द मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ ना, फिर भी एस्केप करेगा, है ना। सो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू प्लस जीएमआर ना, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन व्हाट, प्लस जीएमआर, क्लियर है ये, यस और नो। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर सैटेलाइट टू एस्केप, बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, प्लस तो अकाउंट सेटल ना, ऐसे होल्ड करके रखा था इतना दे दिया सेटल छोड़ देगा ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, प्लस जीएम बाय आर, एंड फॉर सेटेलाइट बोलो बाइंडिंग एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, प्लस जीएम बाय, अरे यार आई कैन ऑल्सो राइट दैट बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, नहीं समझा, क्लियर है ये, हेलो, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू थ्रो द सैटेलाइट आउटसाइड द फील्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ व्हेन द सैटेलाइट इज एट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, यस और नो, ये रिक्वायरमेंट होता है, समझ गया सबको, तो यही स्टेप होता है, आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा कि भाई सो एंड सो कंडीशन है, सो एंड सो कंडीशन है, फाइंड आउट करो कितना बाइंडिंग एनर्जी लगेगा उसको बाहर फेंकने के लिए, तो आपका स्टेप्स ही क्या होगा, आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे उसके काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी का जो प्लस होगा वही क्या होगा आपका बाइंडिंग एनर्जी, तो स्टेप्स भी यही फॉलो करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी ना, एंड फ्रॉम दैट टोटल एनर्जी विल कैलकुलेट व्हाट बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर है ये, इस तरीके से वर्क करते हैं, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ये, सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ, तो मूव डाउन करना है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड फॉर अ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट जो सरफेस में नहीं है,
अब सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना ऑर्बिट में, मुझे वहां से उसको थ्रो करना है आउटसाइड द फील्ड। देखो ऐसे जान दिला दिया ऑन द बोर्ड है अभी, pay attention here now. Next I consider is binding energy for a satellite. Revolving अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये मान लो दिस इज अर्थ हियर, इसका मास एम है, तो ये उसका ऑर्बिट जैसे सैटेलाइट घूम रहा है सर, दिस इज द ऑर्बिट हियर, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग है। चलो अभी आपको पता होना चाहिए, बोलो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन ना, उसका स्पॉन्सर वेलोसिटी होना चाहिए, बोलो क्रिटिकल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, सही है। बोलो ये सैटेलाइट का पोजीशन है यहाँ, ये कितना हाइट है, सही है। दिस इज आर एंड दिस इज एच, तो बोले क्या होगा स्मॉल आर ना, दिस इज व्हाट आर प्लस, क्लियर है ये। चलो मुझे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करना है, ये जो सैटेलाइट है ना यहाँ पे इसको बाहर भेजना है, ये फील्ड है मान लो यहाँ पे, दिस इज द फील्ड, आई वांट टू थ्रो दिस सैटेलाइट आउटसाइड द फील्ड, सही है। क्या देना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी ना, स्टेप सेम है, सबसे पहले क्या निकलो बाइंडिंग एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी, याद रहा है फर्स्ट इज फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी, क्या होगा half m vc square, और vc क्रिटिकल वेलोसिटी ना, फॉर्मूला क्या होता है अपॉन r प्लस h ना, दैट इज स्मॉल r, दैट इज r प्लस h, सही है। क्या है फॉर्मूला, सही क्या हो जाएगा gm अपॉन r प्लस h, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, सही है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइन। तो सेकंड में क्या लूंगा, फॉर अ सैटेलाइट एट हाइट h ना, बोला हाइट h का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, बोलो R प्लस H, तो ये क्या है उसका काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी मुझे क्या चाहिए टोटल एनर्जी ना, तो क्या होगा टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक कितना है जी एम एम अपॉन माइनस हो जाएगा ना, ये बोला एलसीएम ले लिया था, टोटल एनर्जी कितना आएगा सही है।
और ये क्या है टोटल एनर्जी, क्या ये टोटल एनर्जी, बोलो मिनिमम कितना बाइंडिंग एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा मिनिमम ना, या तो उससे ज्यादा। फॉर सैटेलाइट टू एस्केप, बोलो अर्थ ने इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया है ना सच दैट सैटेलाइट इसके ऑर्बिट में घूमता रहे, हमको अगर सैटेलाइट को एस्केप कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी देना पड़ेगा ना, सो दैट अकाउंट इज बैलेंस ना। फॉर सैटेलाइट टू एस्केप what will be the binding energy, sahi aa rahi hai, next kya hoga, so for satellite revolving around earth aur kya hoga binding energy kya hoga must be greater than equal to what? Clear है ये? Hello? Yes. Are you able to understand this? Relation भी लिख देता हूँ यहाँ पे। और binding energy क्या है? Minus of total. Second, आगे बोलो, what is the relation between binding energy and kinetic energy? देखो same है। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, नहीं समझा? फोर्थ इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, देखो इधर माइनस उधर माइनस है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यस और नो? नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, देखो ये माइनस है और काइनेटिक एनर्जी क्या प्लस था, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, बोले एक क्या है प्लस एक क्या है माइनस, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ चलो मुझे बताते जाओ कि जैसे ऐसे हाइट बढ़ता है, जैसे ऐसे हाइट बढ़ता है, थोड़ा सोच के बोलना, लुक एट द फॉर्मूला, थिंक एंड स्पीक, जैसे ऐसे हाइट बढ़ता है व्हाट डू यू थिंक, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है कम होता है, आगे माइनस साइन है ना, क्या होगा बढ़ेगा कम होगा, हाइट एच पे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है कम होता है, कब से पूरे दो लेक्चर से यही भूख रहा हूँ, इधर 50 है इधर 100 है ना, यू वांट टू रीच फ्रॉम 50 टू 100 व्हाट यू नीड टू डू वर्क ना, तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, याद रखो एज हाइट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी माइनस साइन है माइनस, तो इनवर्स रिलेशन का डायरेक्ट हो जाएगा ना वो, तो हाइट बढ़ने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, नहीं समझा? समझा? ऐसा और हो बोलो, क्लियर है? ये इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो ना, चलो थोड़ा सोच के बताओ, ये जो जीरो वैल्यू होता है ना ये उसका मिनिमम वैल्यू होता है कि मैक्सिमम, मैक्सिमम ना, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, नहीं समझे? थोड़ा दिमाग में बैठता है कुछ, सोचते हो कि हंसे सुनते रहते हो बस, यू थिंक समथिंग, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है पोटेंशियल जी कब होगा बढ़ेगा, इंफिनिटी पे आया कितना हो जाएगा, जीरो ना, जीरो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू से छूटा है ना, सब वैल्यू माइनस में ना, सब वैल्यू किसमें है, क्या हुआ जीरो, पोटेंशियल का भी प्लस नहीं होने वाला है, इट कैन नेवर बी प्लस, नहीं समझा? माइनस की मैं फॉर्मूला से बताऊंगा, बट जब फील्ड में है तो प्लस ही में माइनस है, इन्फिनिटी में कितना है जीरो, जीरो इज द जैसे जैसे हाइट बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ना, बढ़ेगा कम होगा,
as height increases potential energy increases kinetic energy decreases jata hai dimag mein kuch yes or no ye bas chal raha hai jo bata rahe ho what is the maximum value of potential energy zero baki sab usse kam yes or no kinetic energy to kuch bhi ho sakta hai theek hai but kinetic energy can never be negative वो कभी भी नेगेटिव नहीं है सर। इतना समझ गया सबको? हेलो, कुछ जाता है दिमाग में? क्या चल रहा है यहाँ पे? कि नहीं पल्ले पड़ रहा है कुछ? अभी और एक लास्ट टर्म है यहाँ पे ध्यान देना है सिंपल सा टर्म समथिंग कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी सुना कभी है आई टॉकिंग अबाउट एस्केप वेलोसिटी ध्यान देना भी यहाँ पे What is the escape velocity on the board? Everyone, this is denoted by VE. है ना? See escape velocity definition क्या होगा? The minimum velocity provided to a satellite on surface of Earth so that it can escape Earth's gravitational field. Hai na? What is escape velocity? The minimum velocity provided to a satellite so that it can escape Earth's gravitational field. Simple sa fundamental dhyan dena bhi aap. Tell me, satellite ko jab Earth ke field ke bahar throw karna hai, to action mein aap usko kaun sa energy de ho? But jab satellite ko white energy lega, to wo Earth surface se space mein that is infinity tak travel karega na? तो बोलो वो बाइंडिंग एनर्जी को किसके द्वारा यूज कर रहा है दिस बाइंडिंग एनर्जी इज यूज्ड एज व्हिच एनर्जी अरे सैटेलाइट इधर है आपने क्या दिया उसको ये लेके गया ना कहा स्पेस में ना बाहर ना तो बाइंडिंग एनर्जी को यूज किसके द्वारा किया काइनेटिक एनर्जी ना किसके द्वारा यूज किया काइनेटिक एनर्जी सो यू प्रोवाइड व्हाट Kinetic energy. It is used as what? Kinetic energy. समझा क्या ये? तो मैं क्या कहूँगा यार? ध्यान देना. Pay attention ये रहा. बोलो. Escape velocity क्या होता है? Minimum velocity provided to a satellite ना? So that it can escape Earth's gravitational field. So what will happen now? बोलो. For satellite to escape for satellite to escape binding energy is provided na bol binding energy kitna hoga binding energy kiske equal hoga so ya to chala aisa likhe binding energy is provided binding energy bol on the surface of earth bola na yaar so for on surface of earth बोले बाइंडिंग एनर्जी कितना है बोले ये जो बाइंडिंग एनर्जी है किसके द्वारा यूज होगा ये सही है
ਮੈਨੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ये एनर्जी के साथ बाहर चला जाएगा ना, और क्या कर जाएगा इसके, तो इसमें जो वेलोसिटी इन्वॉल्व होगा वही क्या होगा, एसके वेलोसिटी। एनएम कैंसिल, एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gm / ये चलो यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम एंड आर ना, सब्स्टिट्यूट करोगे तो एस के वेलोसिटी आएगा, अगर आप फॉर्मूला देखते हो बराबर से तो जरा ऐसे वीई वीई इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट है ना, बोलो भाई। तो चाहे कितना भी भारी सैटेलाइट हो, कितना भी हल्का सैटेलाइट हो, कैसा भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, कोई भी सैटेलाइट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, अगर आपको फील्ड के बाहर फेंकना है तो आपको कितना स्पीड देना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा उसको, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी होगा सो इट विल एस्केप, अगर इससे कम वेलोसिटी होगा एस्केप नहीं करेगा, यस और नो, क्लियर है ये। तो मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये कहां से दिया जाता है, सरफेस पे से, कितना देना पड़ेगा बोलो, मिनिमम वेलोसिटी 11.2, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा, यस और नो, क्लियर है ये। और वो जो है डिसेंडिपेंड ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, हल्का है, भारी है, कैसा भी है, सब पे लगने वाला एस्केप वेलोसिटी कैसा है, सेम। और एक पॉइंट याद रखना, एस्केप वेलोसिटी है वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इज इंडिपेंडेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर ये अर्थ है, अब इसको ऐसे फेंको, अब इसको ऐसे फेंको, अब इसको ऐसे फेंको, यहाँ पे आप इसको ऐसे फेंको, कहीं पे भी फेंको, कैसे भी फेंको, कुछ भी एंगल फेंको, यू प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल 30, 60, 90 कैसे भी करो, एस्केप वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, 11.2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आप 30 डिग्री फेंको, 40 डिग्री फेंको, 50 फेंको, 11.2 अगर दिया है वो एस्केप कर जाएगा, इट विल एस्केप। क्लियर है ये, समझ में आ रहा है सबको ये, लिखा क्या है, बोलो VE में रूट ऑफ 2G एम कैन बी रीड एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना, कौन क्या होगा, बोलेगा यार स्क्वायर हो जाएगा, तो VE क्या होगा 2R अंडर रूट ऑफ
ओके फाइन सही है ना। चलो नेक्स्ट इज हमने बताया क्लोज टू द अर्थ सरफेस क्रिटिकल वेलोसिटी डिराइव किया था क्लोज टू द सरफेस क्या था देखो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जी क्रिटिकल वेलोसिटी क्लोज टू द अर्थ सरफेस क्या था रूट ऑफ जी आर ना तो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी याद है हेलो तो एस्केप वेलोसिटी क्या मिलता है रूट टू इनटू रूट ऑफ जी है ना लेके आ जाएगा ये तो व्हाट इज वी और वीसी का रिलेशन वी इज रूट टू टाइम्स वीसी अगर आपको याद हो क्लोज टू द अर्थ सरफेस जो क्रिटिकल वेलोसिटी था ना दैट वाज 8 किलोमीटर पर सेकंड हां यार तो दिस इज 8 किलोमीटर पर सेकंड इनटू रूट टू लेस 1.414 ना तो 8 इनटू 1.4 कितना होगा 11.2 कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना चाहिए होता है क्लोज टू द अर्थ सरफेस 8 एस्केप वेलोसिटी कितना चाहिए होता है 11.2 चलो क्लियर है ये ये पहला रिलेशन है ये पहला फॉर्मूला है ये वाला कहाँ गया ये दिस वन दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला है ये सेकंड है ये थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ रिलेशन सो क्लियर है ये और ये इसका वैल्यू रिमेंबर चलो इसे फाइल ले लो सबको समझ गया ये चलो नोट डाउन करना